नमस्कार, मैं रविश कुमार। रुपया, पेट्रोल और डीजल ने भारत बंद का विरोध किया है। विपक्ष का भारत बंद होने के बाद भी रुपये का गिरना बंद नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम का चढ़ना बंद नहीं हुआ। भारत का रुपया इस साल के 9 महीने में 12% गिर चुका है और गिरता ही जा रहा है। क्या रुपया गिरते गिरते 80 के पार चला जाएगा? अभी तक रुपये के गिरने की जितनी भविष्यवाणियाँ हुई हैं वो कमोबेश सही साबित होती रही हैं। सिर्फ उस बाबा की भविष्यवाणी गलत हो गई है जिन्होंने 2013 में या 14 में कहा था कि $1.40 का हो जाएगा। उस बाबा के फॉलोअर भी अब नहीं पूछ रहे कि प्रभु, किंचित इस प्रश्न का समाधान नहीं हो पा रहा है कि रुपया क्यों गिरा जा रहा है। क्या कोई भभूत आपके पास है जिसके छिड़कने से रुपये का गिरना बंद हो जाएगा? बाढ़ सुखाड़ के वक्त यज्ञ करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे जो हवन करने लगते थे और उनका दृश्य टीवी पर लाइव होने लगता था। नौटंकी भी इतनी एकतरफा हो जाएगी या मौजूदा राजनीतिक नाट्य कला के लिए अच्छी बात नहीं है। यह भी अच्छा संकेत है कि बरगलाने वाले बाबा अर्थव्यवस्था की राजनीति से दूर हैं। फिलहाल उन्हें आर्थिक वैराग्य हो गया है, वे अब धर्म कर्म में के काम में लगे हैं। जब राजनीति पूरी तरह से धर्म का सहारा लेगी तब फिर से ऐसे बाबा मैदान में आएंगे। सो ज़्यादा दुखी ना हो। आज बाजार बंद होने पर $1.72.67 का हो गया। 6 सितंबर को $71.11 का हो गया था। भारत के इतिहास में कभी रुपया इतना नहीं गिरा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल ने कहा है कि इस हफ्ते $1.73.50 तक हो सकता है, यानी और गिरेगा। पीटर ब्रांड हैं, इन्होंने कहा है कि रुपये का बुरा दौर अभी आया नहीं है, इससे भी बुरा दौर आएगा। अगर रुपया 71 पार कर जाएगा तो 4 से 6 हफ्ते में 80 तक चला जाएगा। 14 अगस्त के इकोनॉमिक टाइम्स में पीटर ब्रांड के का यह बयान छपा था। पीटर को चार्टिस्ट बताते हैं जो ग्राफिक्स चार्ट के जरिए टेक्नोलॉजी के जरिए शेयर या करेंसी के गिरने चढ़ने के रिकॉर्ड को देखते हुए आगे की बात करते हैं। अर्थशास्त्री इला पटनायक ने लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को रुपए की गिरावट रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 2013 में RBI ने डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी थी मगर उससे रुपए में मजबूती नहीं आई। इस वक्त रिजर्व बैंक के पास $400 अरब हैं। वो चाहे तो डॉलर की सप्लाई बढ़ा सकती है मगर इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए सरकार को परेशान नहीं होना चाहिए और रुपए के गिरने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इला पटनायक का यह लेख ब्लूमबर्ग वेबसाइट पर छपा है। डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? कारण यह है कि कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, इसलिए निवेशक अपना पैसा वहां से निकालकर डॉलर खरीद रहे हैं। इस कारण डॉलर महंगा होता जा रहा है क्योंकि सब खरीद रहे हैं। भारत की तेल कंपनियां भी आयातकों के साथ कच्चे तेल के दाम बढ़ने की आशंका में डॉलर खरीद रही हैं। PTI के हवाले से खबर छपी है कि अभी का डॉलर तब तेल खरीदने के काम आएगा, यानी नवंबर दिसंबर कभी भी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात की जा रही है। हमने कई वेबसाइट से आपके लिए कुछ जानकारी जमा की है। कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उनमें से एक है टर्की, जहां मजबूत नेता का जुनून छाया हुआ है। राष्ट्रपति एर्दोगन के चुनाव जीतने के बाद भी तुर्की संभल नहीं पा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि दुश्मन देश टर्की की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही भारत में भी जल्दी ही इस तरह के तर्क व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ठेल दिए जाएंगे, गांव-गांव तक पहुंचा दिए जाएंगे। टर्की का लीरा एक साल में डॉलर के सामने 50% टूट चुका है। यहाँ से निवेशक भाग रहे हैं और डॉलर खरीदने में लगे हैं। ट्रंप ने टर्की के स्टील निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया है। इंडोनेशिया का रुपया भी 20 साल के न्यूनतम स्तर पर है। अर्जेंटीना में आर्थिक आपात की स्थिति पहुंच गई है। अर्जेंटीना का करेंसी पेसो भी डॉलर के सामने नतमस्तक है। बजट घाटे को संभालने के लिए वहां ब्याज दर 60% तक बढ़ गई है। भारत का रुपया भी इन्हीं सब कारणों की चपेट में होगा, लेकिन 2014 के पहले की राजनीति ने उन कारणों को अजीब सी स्थिति में पहुंचा दिया है। अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। अगर रुपया 80 तक चला गया तो आयात करने वालों की क्या हालत होगी? पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ तक जाएंगे और विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा? यह सब सवाल है। भारत बंद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ था मगर इन दोनों ने भी भारत बंद का विरोध किया है और अपना दाम उन बाबाओं को याद करते हुए बढ़ा लिया जो कभी पेट्रोल को 35 रुपये पर बिकवाने वाले थे। महाराष्ट्र के परभनी में 89.97 रुपया लीटर हो गया है पेट्रोल। बिहार के सहरसा में 88.12 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है। मुंबई वाले जहां सहरसा से कम अमीर रहते होंगे 88.12 रुपये लीटर पेट्रोल के दे रहे हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 80.73 रुपये का हो गया है। 10 सितंबर का विपक्ष का भारत बंद।
सुबह के अखबारों में प्रधानमंत्री का बयान छपा था कि कांग्रेस सरकार में भी फेल थी, विपक्ष में भी फेल है। कांग्रेस का बंद था कि मोदी सरकार फेल है, लेकिन उनके नेताओं ने जब अखबार हाथ में उठाया होगा तो यही पढ़ा होगा कि वही फेल है। फेल बनाम फेल की इस राजनीति में आप अपनी गाड़ी की टंकी पर नजर रखिएगा और मीटर पर भी जीरो देखते रहिएगा। कांग्रेस के भारत बंद को 20 से ज्यादा विपक्षी दलों का साथ मिला। राहुल गांधी अलग अलग दल के नेताओं के साथ राजघाट गए, मानसरोवर से जो जल लाए थे उसे बापू की समाधि पर चढ़ाया, फिर विपक्षी दलों के साथ मार्च करते हुए राजघाट से रामलीला मैदान पैदल पहुंचे। 3 किलोमीटर तक सबने पदयात्रा की। इस मार्च में NCP, JDS, RJD, RLD, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, TMC, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया और रामलीला मैदान के मंच पर साथ नजर आए। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी ने भी इस बंद में हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम 4 साल में करके दिखा देंगे। और सचमुच में जो उन्होंने 4 साल में किया 70 साल में नहीं हुआ है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूमते थे, कहते थे देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को इतना घमंड है कि जब आज तमाम दल कहीं धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी दिन डीजल पेट्रोल और बढ़ा दिया। ये कहीं ना कहीं अहंकार है सरकार का कि महंगाई से क्या होगा। सरकार तो ये भी कह सकती है कि महंगाई से खुशहाली आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह सकते हैं कि जो महंगाई है, महंगाई और बढ़ेगी तो और खुशहाली आएगी। महंगाई बढ़ेगी तो और खुशहाली आएगी कह सकते हैं। अब आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं ताकि जब इस सरकार को 50 साल बाद, इस विपक्ष को जो जिसने भारत बंद किया था, उसको 50 साल बाद सत्ता में आने का मौका मिले और पेट्रोल के दाम उस वक्त बढ़ जाएं, तब उन्हें इस वक्त का आईना दिखाने के लिए आप वो कहां से मटेरियल लाएंगे। अमित शाह जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि 2019 में आने के बाद अगले 50 साल तक भाजपा को कोई नहीं हरा पाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया है कि वे ये बात अहंकार में नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने काम की वजह से भाजपा को कोई नहीं हरा पाएगा, ये विनम्रता में बता रहे हैं। इस लिहाज से 2069 तक भाजपा की ही सरकार रहेगी। अमित शाह की इस विनम्र भविष्यवाणी के आगे भारत बंद की कहानी अब काफ़ी फीकी लगने लगी है। फिर भी आप नोट करें कि इलाहाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता दो गधों को मजबूर कर रहे हैं कि वो कार खींचें। पेट्रोल के दाम बढ़ने में इन गधों का कोई कसूर नहीं था, फिर भी इन गधों ने मुझे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए लाया गया हूं, क्योंकि जब भी सस्ता होता है तब तो इनकी कोई पूछ नहीं होती है। भैंस पर चढ़कर कई जगहों पे कार्यकर्ता बीन बजा रहे हैं। आम तौर पे भैंस के आगे बीन बजाने का मुहावरा है, चढ़कर बजाने का मुहावरा नया आया है। ये तस्वीर बिजनौर की है। बलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर स्कूटर की अर्थी निकाली है। हर जगह इस तरह के कई तस्वीरें हैं। तस्वीरें हमने फ्राइडे फ्लैशबैक में आपको दिखाया भी था कि कैसे भारत बंद के वक्त बीजेपी ने तरह तरह का आइडिया निकाला था ताकि न्यूज़ चैनलों और अखबारों में उन तस्वीरों की जगह मिले और विपक्ष के बंद की खबर पहले पन्ने पर प्रमुखता से आ जाए। आप 11 सितंबर का अखबार चेक कर लीजिएगा, बंद की खबरें कहाँ और कैसे छपी हैं। देश के कई हिस्सों में विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी, बिहार में RJD ने और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने झंडे बैनर के साथ मार्च किया। कहीं बाजारें बंद रहीं, कहीं हाईवे पर जाम हुआ, कहीं कहीं टायर जलाए गए, हिंसा भी हुई। यहाँ आप देख रहे हैं कि जलती टायर के आगे गाड़ियाँ चुपचाप खड़ी हो गई हैं। हमने ये सब अपनी लाइब्रेरी के आर्काइव में रखने के लिए आपको दिखाया है। जिस तरह से आज लोग, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खबर है कि जहानाबाद में एम्बुलेंस से एक बच्ची को ले जाते समय मौत हुई है, मगर कलेक्टर खंडन कर रहे हैं कि उसकी स्थिति पहले से ख़राब थी और ये घटना दुखद घटना पहले हो गई थी। पर इस तरह से ये राजनीतिक बयानबाजी में आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि 2014 के पहले अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन के बयानों का लिंक कई लोग वायरल कर रहे हैं। उसी तरह 2069 के प्राइम के बाद, जब भाजपा 50 साल तक तो बीजेपी की सरकार रहेगी, तो 2069, देखिए मैं कितना फॉरवर्ड सोच रहा हूँ, 2069 में जब मेरा भी अता पता नहीं होगा,
तब मेरे प्राइम टाइम का लिंक लोग शेयर करेंगे, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि 2019 में जीतने के बाद भाजपा को 25 साल तक कोई नहीं हरा सकता। तो उनसे भी फॉरवर्ड मैं सोच रहा हूं और प्राइम टाइम में इन सारे बातों को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मनीष कुमार हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव से बात की है। जो आपने वादा किया था जब आप मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो आप लगातार हमला बोलते थे पेट्रोल और डीजल को लेकर के। जब रुपया जब गिर रहा था, कमजोर हो रहा था, तो आप कहते थे कि केंद्र सरकार और रुपया में कंपटीशन हो गया कि कौन कितना गिरता है। आज जब रुपया सबसे ज्यादा कमजोर हो गया है, पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है इतिहास में अगर देखा जाए, तो आपने दही जमा रखी है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल जो कच्ची तेल की कीमतें जब सस्ती हो रही है, तो आपको क्या कारण है इन पेट्रोल का, डीजल का, पेट्रोल बढ़ाने में? कई देशों को जो भारत जो तेल बेचता है वो सस्ते में बेचता है, आखिर क्या कारण है? तो ये जीएसटी में आखिर क्यों नहीं इंक्लूड किया गया पेट्रोल और डीजल को? इसमें कोई ना कोई तो जवाब दे ही देगा। ये बीजेपी के लोग भी तो कभी ना कभी पिछले इतिहास उठा के देखिए तो सड़कों पे पेट्रोल और डीजल को लेकर के उतरे थे, और वो तब उतरे होंगे जब 60 रुपए हुआ होगा, 65 रुपए हुआ होगा, लेकिन आज तो 90 रुपए तक पहुंच गया। वो तो 50 साल राज करने वाले हैं। अब कौन कितने साल राज करने वाले हैं, जो लोग अपने आप को दावा करते हैं उनका क्या हुआ है वो भी देख लीजिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बंद को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए कहा है कि जो हिंसा हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग गुस्से में खौफ पैदा कर रहे हैं क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है। इन सब बातों की आलोचना करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना हमारे हाथ के बाहर है। देखिए, हम जनता की परेशानी के साथ खड़े हैं और इसका हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकालेंगे भी, क्योंकि जैसा मित्र धर्मेंद्र जी ने पहले बताया था कि ये डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने उत्पादन को सीमित कर रखा है। वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता है, ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन का दबाव और प्रभाव है, और जो अमेरिका में शेल गैस बनने वाली थी वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आई। ये एक सच्चाई है कि हम चाहते तो हमारे देश में खूब तेल का भंडार होता, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन खपत के लिए हमें तेल के आयात पर निर्भर करना पड़ता है। ये बिल्कुल नई आर्थिक घटना है जो इसके पहले नहीं थी। तो आपने सुना कि वो जनता की परेशानी के साथ खड़े हैं, तब भी खड़े थे 2014 के पहले भी, ये अच्छी बात है। डीजल और पेट्रोल का बढ़ना हमारे हाथ के बाहर है, जैसा कि रविशंकर प्रसाद ने कहा। क्या यही अंतर्राष्ट्रीय कारण बीजेपी के भारत बंद के समय नहीं रहे होंगे? क्या फिर तब विपक्ष ने भारत बंद क्यों किया? तब क्यों रविशंकर प्रसाद ने बंद में हिस्सा लेते हुए साइकिल चलाई थी? अब आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे रविशंकर प्रसाद साइकिल चलाते हुए पेट्रोल डीजल के दाम का विरोध कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा फीलिंग भी आती है, इसलिए हम दिखा रहे हैं सीपीआर टोन में। उस समय भी तो अंतर्राष्ट्रीय कारण थे, कच्चे तेल का दाम तब $109 प्रति बैरल तक गया था। तब अरुण जेटली ने कहा था कि $90 प्रति बैरल हो गया है, अब तो पेट्रोल 50 रुपये लीटर हो जाना चाहिए। तो इस वक्त $78 प्रति बैरल है, तब जेटली जी 50 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों नहीं कर देते? उन्हें तो 45 रुपये लीटर कर देना चाहिए था। 23 मई 2012 को हमारे सहयोगी चैनल से बात करते हुए, एनडीटीवी 24/7 से अंग्रेजी में बात करते हुए रविशंकर प्रसाद किस जानकारी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कारणों के तर्क को दूसरे तरीके से रख रहे हैं? तब हमारी सहयोगी एंकर ने प्रसाद से पूछा था कि आप सत्ता में होते तो आप क्या करते, जिस तरह से अब हम लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस वाले क्या कर लिए थे या क्या करेंगे। तो अर्थव्यवस्था को उन्होंने जवाब देते हैं कि अर्थव्यवस्था को वो इस तरह से मैनेज करेंगे कि ऐसे झटके को बर्दाश्त कर लिया जाए। अब सवाल उन्हीं से है कि आपने क्या मैनेज किया है कि झटका बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, या आप अर्थव्यवस्था मैनेज नहीं कर पाए और पेट्रोल 89 रुपया लीटर हो गया। सहरसा वाले मुंबई से भी ज्यादा पेट्रोल का दाम दे रहे हैं, जहां से लाखों लोग पलायन कर गए मजदूरी के लिए, जहां के लोग कम अमीर हैं मुंबई की तुलना में। ये यूपीए के समय नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था? अब प्रसाद जी का ये फोन पे दिया गया इंटरव्यू आप ध्यान से सुने। The point I'm trying to highlight is very simple. This whole issue of Indian rupee in comparison to dollar
Is it only because of international factors or something to do with the critical situation of Indian economy because of gross mismanagement? Let's take the case of dollar. I don't think the currency of Vietnam or Thailand or China or even Bangladesh is suffering so much volatility as the slide down of Indian rupee. Therefore, it is not because of international factor. Yes, I can understand the crude oil prices. But this government has never reduced the prices when the crude price was down also. You know it very well. So what would the BJP have done if they were in this situation, really? At the end of the day, it is all of this is contributed to international factors. What would you have done if you were in this situation, sir? First of all, how would you have managed this? Often to this question, we are not in power. When Mr. Bajpayee government was there 6 years, people did not suffer. And even if there was volatility, we used to manage it and it created problems for people because it was stable. Economy was sound. Growth was good. India's story hasn't fallen as it is falling today. Therefore, this question is very ironical. I'm sorry to say, a little unreasonable. We are not in power, madam. The Congress is in power for 8 years, Congress like UPA. They have to share the blame. If we are in power, we'll manage it well. And economy of the country will be able to absorb the shocks of it. क्या रविशंकर प्रसाद पावर में पहुंच के इसको वेल मैनेज कर लिए हैं? क्या वो शेयर ब्लेम करेंगे? नहीं, सॉरी, ब्लेम शेयर करेंगे जैसा कि वो तब कह रहे थे कांग्रेस से करने के लिए। इस जवाब में रविशंकर प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि वे कच्चे तेल के दाम बढ़ने की बात समझते हैं, लेकिन जब कच्चे तेल की कीमत कम होती है तब भी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करती। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत गिरते गिरते 2016 तक करीब $41 प्रति बैरल हो गई। इतना कभी नहीं हुआ। क्या उस अनुपात के दाम कम अनुपात में दाम कम हुए थे पेट्रोल डीजल के? आप याद कीजिए जिस अनुपात में कच्चे तेल की कीमतें घटी थी। 2012 में कच्चे तेल की औसत कीमत $109 प्रति बैरल तक पहुंच गई। तब दिल्ली में मई 2012 में पेट्रोल ₹73.18 लीटर पहुंच गया। 2017 में जब कच्चे तेल की औसत कीमत $52.51 प्रति बैरल हो गई, तब दिल्ली में 3 सितंबर 2017 को ₹69.55 प्रति लीटर था पेट्रोल। आप देख सकेंगे कि एनडीए के समय कच्चे तेल की कीमत करीब $51 प्रति बैरल होने पर भी पेट्रोल के दाम दिल्ली वाले ₹69 लीटर दे रहे थे खुशी खुशी। कोई भारत बंद भी नहीं हुआ, सब समझ रहे थे। यूपीए के समय 2012 में $107 प्रति बैरल होने पर करीब ₹69 प्रति लीटर आपने पेट्रोल के दिए। ये खेल है। आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच ट्विटर पर ग्राफिक्स के जरिए भी जंग हुई। बीजेपी ने अपने ग्राफिक्स चार्ट एक ट्वीट किया और कच्चे तेल की कीमतों का उसमें अनुपात नहीं बताया, लेकिन ये बताया अपने ग्राफिक्स चार्ट में, जिसके अनुसार 16 मई 2004 को पेट्रोल ₹33.71 प्रति लीटर था, जो 16 मई 2009 को ₹40.62 प्रति लीटर हो गया, यानी 5 साल में 20% ज्यादा बढ़ गया। फिर 16 मई 2014 को ₹71.41 प्रति लीटर हुआ, यानी 75.8% बढ़ गया। ये बीजेपी के ट्वीट में है। अब 10 सितंबर 2018 को ₹80.73 प्रति लीटर हुआ है, तो वो देखिए तीर नीचे जा रहा है। बताइए ₹80.73 होने पर इनका तीर नीचे जा रहा है, जो 13% घटा है। क्या वाकई दाम घटे हैं? क्या आप सारे लोग गणित में फेल हो गए हैं? फेल हो गए हैं तो ज्यादा समझ पाएंगे, अगर फेल नहीं हुए तो आप ये नहीं समझ पाएंगे। इसके जवाब में कांग्रेस का ट्वीट देखिए। कांग्रेस ने कच्चे तेल के दाम के अनुसार बताया है। इस चार्ट के अनुसार अगस्त 2009 में उन्होंने अपना एक पॉइंट चुना है। इस चार्ट के अनुसार अगस्त 2009 और सितंबर 2018 में दोनों टाइम कच्चे तेल की कीमत $71.09 प्रति बैरल थी। उसके मुकाबले में 10 अगस्त 2009 को यूपीए की सरकार में पेट्रोल ₹44.63 लीटर था। मोदी सरकार में 10 सितंबर 2018 को ₹80.73 प्रति लीटर हो गया। दाम बढ़ा कि घटा? अगर आप गणित में फेल हैं तो तुरंत समझ जाएंगे, नहीं फेल है तो आपका कुछ नहीं हो सकता इस देश में। जनता कांग्रेस बीजेपी का इज इक्वल टू गेम देख रही है। न्यूज चैनलों ने इस तरह की जानकारी की जगह बहस को इस दिशा में शिफ्ट कर दिया है कि टायर क्यों जलाए गए और छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं क्यों हुई, जो आमतौर पर होती हैं, नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के ग्राफिक्स में दाम घटे हैं जबकि आपकी जेब के हिसाब से बढ़े हैं। क्या कमाई आपकी बढ़ी है? अनिंद्यो चक्रवर्ती ने अपने सिंपल समाचार में सिंपल तरीके से बताया है कि GDP के 8.2% होने के बाद भी इस तिमाही में लोगों की असली आमदनी में काफी गिरावट आई है। हम वो हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं, आप ndtv.in
हमारी खबर.com जो है उसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं सिंपल समाचार। और इंडियो का कहना है कि आमदनी से अगर मुद्रा स्फीति को एडजस्ट कर दिया जाए, जो कि किया ही जाता है, तो किसानों की असली आमदनी ना देखने लायक है ना दिखाने लायक है। इसीलिए टेलीविजन चैनल बहस इस पे कर रहा है कि क्या हिंसा सही है, क्या तेल के जरिए लोग सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन हम किसानों को बताना चाहते हैं कि अप्रैल जून 2017 से अप्रैल जून 2018 के बीच प्रति किसान आमदनी 100 रुपए से बढ़कर ब्रेकिंग न्यूज 101.60 पैसे बढ़ी है, यानी 1.60 रुपए। अनिंदियों कहते हैं कि यही रफ्तार रही तो 100 से 200 होने में, यानी डबल होने में इनकम 44 साल लगेंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि किसानों की आमदनी तब जाकर दुगनी होगी। अच्छी बात यह है कि तब तक भाजपा की ही सरकार रहेगी, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि भाजपा की 50 साल तक यानी 2069 तक सरकार रहेगी। हो सकता है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने, नौकरियां नहीं मिलने के बाद भी भाजपा को जनता का अपार समर्थन मिलता रहे, लेकिन इसकी वजह से जनता को तकलीफ नहीं है, ये बात भी सही नहीं है। आज ही हिंदुस्तान टाइम्स के राहुल सिंह की खबर है कि भारतीय सेना अगले 4-5 सालों में 1.5 लाख नौकरियां कम करने जा रही है। वैसे भी जो सेना की तैयारी करते हैं भर्ती की, वो कहते हैं भर्तियां कम हो गई हैं, लेकिन अब 1.5 लाख नौकरियां कम होने जा रही है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। इसके लिए जून के महीने में ही काडर की क्षमता की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं कि कुछ मिलाना है, कहीं एडजस्ट करना है, सेना को जरा पतला दुबला चुस्त दुरुस्त बनाना है। 11 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया है जो संख्या बल घटाने पर विचार करेगा। बाकी रिपोर्ट आप हिंदुस्तान टाइम्स में जाकर पढ़ें। गांव देहात में जो सेना में भर्ती के लिए लोग जो सुबह सुबह दौड़ते हैं, खासकर गैमर में हमारे कुछ मित्र दौड़ते रहते हैं, 10-10 साल से नौजवान दौड़ते रहते हैं मेरठ में, गैमर में और गाँव में कि सेना में भर्ती होना है, उन तक ये सूचना जल्दी पहुंचा देनी चाहिए ताकि वो दौड़ने के बजाय कुछ और काम करें। आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने टैक्स में कमी की है पेट्रोल के दाम करने की, मगर इसका दाम पे कोई खास असर नहीं पड़ा। जैसे राजस्थान में 2.21 रुपए टैक्स घटा दिए गए, फिर भी वहां पेट्रोल 81.21 रुपए है, जिसका श्रेय दिन भर ट्वीट से लिया जा रहा था कि कोई बड़ा भारी काम कर दिया गया। क्या राजस्थान के लोगों के लिए 81.21 रुपए सामान्य है? डीजल वहां पर 75.12 रुपए लीटर है। 2012 में भारत बंद के दौरान विपक्ष में रहते हुए अरुण जेटली ने एक सटीक भविष्यवाणी की थी, यही कि अगर सरकारों ने टैक्स को रैशनलाइज नहीं किया, यानी सही नहीं किया, तो इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। आप उनका बयान सुनिए और आखिरी लाइन जरूर सुनिएगा। रुपया सबसे कमजोर करेंसीज में से एक हो गया है। इस देश के उद्योगपति अपनी पूंजी लेकर बाहर जा रहे हैं निवेश करने। क्या सरकार को अभी भी इसकी चिंता नहीं है? आवश्यक है कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक राय बने, फिर शासक गठबंधन में बने और फिर विपक्ष के साथ हो, लेकिन इसके लिए सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए, जिसकी मुझे शंका दिखती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समस्त देशवासियों को एक बहुत सफल विरोध आज रहा सरकार की नीतियों के खिलाफ, इसके लिए बधाई देती है। जब तेल की इस प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका असर हर वस्तु के ऊपर होगा। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर ये 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है, तो जब कच्चे धान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे, अन्यथा इस प्रकार के विरोध इस देश में होते रहेंगे। इस पेट्रोल डीजल की राजनीति में जनता सुखी है। कैसे दुख सुखी है? वो इस तरह से सुखी है कि अब उसके पास दोष देने के लिए, दोषी ठहराने के लिए कोई नहीं बचा है। अब तो वह 50 साल तक किसी को दोष भी नहीं दे सकेगी, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि भाजपा अपने काम के दम पर 50 साल तक सत्ता में रहेगी। क्या उस काम में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का भी काम शामिल है? मैं नहीं जानता। यह प्रश्न है या यह प्रश्न ही नहीं है।